हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार आप सबका फिर अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे स्वागत करता हूँ। पिछला वीडियो मैंने इनकम टैक्स के मॉडल पेपर के रिगार्डिंग बनाया और उसको अपलोड किया। बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बच्चों ने फिर डिमांड की सर प्लीज़, और जो बच्चे बी कॉम थर्ड ईयर के हैं वो कह रहे हैं सर हम लोग का वीडियो कब आएगा। मैंने कहा भाई बनाऊंगा, कल संडे था तो मैं नहीं शूट कर पाया। आज मैं आपके बी कॉम थर्ड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वीडियो लेके आ रहा हूँ, और जो आपके 10 चैप्टर्स आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हैं, जैसे कि पहला इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, इंटर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, फिर से लिक्विडेशन ऑफ कंपनी और होल्डिंग एंड सब्सिडरीज कंपनीज, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। हर चैप्टर से मैंने दो दो, किसी चैप्टर से मैंने तीन क्वेश्चंस भी लिया है। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरह मॉडल पेपर के थ्रू मैं आपको काफ़ी हेल्प करूंगा। क्लासेस भी प्लान कर रहा हूं, 1 तारीख के आसपास क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके लिए आप अपने कोचिंग के हमारे कोचिंग संजय ट्यूटोरियल्स का ऐप प्ले स्टोर्स में उसको डाउनलोड कर लीजिए और आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी अपने डाउट लिखिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। आइए एक बार कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इस 25 क्वेश्चंस पे काम शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द शेयर ऑफ अ कंपनी कैन बी इशूड, एक कंपनी जब फॉर्म हो जाती है और कंपनी को जब बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो कंपनी शेयर इशू करती है। कंपनी जो शेयर इशू करती है वो कंपनी किस प्राइस पे इशू करती है। कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें एक क्लॉज है जिसका नाम है कैपिटल क्लॉज। उस क्लॉज में ये मेंशन होता है कंपनी अपने होल लाइफ में कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकती है, और वहाँ एक शेयर का प्राइस दिया होता है, और जो एक शेयर का प्राइस होता है वो फेस वैल्यू होता है, उसको फेस वैल्यू कहते हैं। कंपनी अगर उसी वैल्यू पे शेयर इशू करती है तो पार, उससे ज्यादा वैल्यू पे इशू करती है तो प्रीमियम, और उससे कम पे इशू करती है तो डिस्काउंट। बट न्यू कंपनीज एक्ट 2013 में शेयर अब डिस्काउंट पे इशू नहीं होंगे, शेयर सिर्फ दो ही प्राइस पे इशू होंगे, या तो पार पे या तो प्रीमियम पे। क्या आंसर है? पहला पार ठीक है, दूसरा प्रीमियम ये भी ठीक है, यानी तीसरा बोथ ए एंड बी, यानी एक कंपनी अपने शेयर्स को पार और प्रीमियम दोनों में से किसी एक प्राइस पे इशू कर सकती है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी शेयर्स का पैसा शेयर होल्डरों से एक ही बार में ले लेगी लमसम पेमेंट्स में, या उनसे वो पैसा कई इंस्टॉलमेंट्स मिलेगी, जैसे एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा ले लेगी, अलॉटमेंट होगा उसके बाद कुछ पैसा ले लेगी, जो पैसा बचेगा उसको कॉल्स फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में ले लेगी। तो कंपनी शेयर्स कैपिटल का पैसा या तो एक बार में ले लेगी लमसम, या उसको कई पार्ट्स मिलेगी, जो कई पार्ट्स मिलेगी तो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और ये चारों अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट होते हैं, एप्लीकेशन अकाउंट ही पर्सनल है, अलॉटमेंट ही पर्सनल है, क्योंकि ये कैपिटल का पार्ट है और कैपिटल रिप्रेजेंट टू अ पर्सन। तो पूछा है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है आपका? पर्सनल अकाउंट है। अलॉटमेंट अकाउंट ही पर्सनल है, फर्स्ट कॉल ही पर्सनल है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ही पर्सनल है। यही मैंने आपको चार क्वेश्चन बता दिए। फिर द प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू, ये भी क्वेश्चन शेयर्स का है। एक कंपनी जब शेयर्स अलॉट करती है, इशू करती है, जो उसको अलॉटमेंट कर देती है, तो अलॉटमेंट के बाद कंपनी अलॉटमेंट मनी मांगती है, फिर फर्स्ट कॉल मनी मांगती है, फिर सेकेंड कॉल मनी मांगती है, और कुछ लोग कंपनी के कॉल्स का पेमेंट नहीं कर पाते हैं। कंपनी बार बार उनसे कहती है भाई अपना कॉल्स पेमेंट्स करो, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। जब कंपनी के बार बार मांगने पर भी लोग अपना पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी इन लोगों के शेयर्स को जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। और कंपनी जब शेयर फॉरफिट करती है तो कंपनी उस शेयर्स को फिर से बाजार में रीइश्यू कर सकती है, और उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट करता है। तो कंपनी अपने शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स को फिर से रीइश्यू करेगी, कंपनी को यहां प्रॉफिट होगा। एक तो शेयर दोबारा इश्यू के पैसे आए, ऊपर से जिसके शेयर फॉरफिट हुए कंपनी उससे कुछ ना कुछ तो पा चुकी होती, तो कंपनी जो शेयर फॉरफिट कर रही है उसको रीइश्यू करेगी, तो उस पर जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट्स आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट्स में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिवेंचर्स होल्डर्स विल गेट, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स लिमिटेड होते हैं, कंपनी जितना चाहे उतना शेयर इशू नहीं कर सकती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के कैपिटल की लिमिट्स होती है, और इस लिमिट्स को अमेंड करना पॉसिबल नहीं होता है। That is required special resolutions. That is not possible. कंपनी को अगर फिर financial difficulties है, कंपनी कुछ पैसे चाहिए अपने किसी project के लिए, तो कंपनी क्या करती है?
लोन लेती है और कंपनी ये लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक से ना लेके पब्लिक से लेती है और उसके बर्थडे में एक सर्टिफिकेट देती है जो डिवेंचर्स होता है और जो लोग डिवेंचर्स खरीदते हैं वो डिवेंचर्स होल्डर्स कहलाते हैं। शेयर होल्डरों को तो कंपनी प्रॉफिट्स होने पर प्रॉफिट देती है, डिविडेंड देती है और डिवेंचर्स होल्डर को कंपनी डिवेंचर्स होल्डर से कंपनी लोन लेती है तो कंपनी उसके लिए उनको इंटरेस्ट देगी। पढ़िए, डिवेंचर होल्डर विल गेट इंटरेस्ट, प्रॉफिट नहीं, डिविडेंड नहीं। डिवेंचर होल्डरों को कंपनी से क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है और ये इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से क्या होता है? फिक्स होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच एएस इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी होल्डिंग कंपनी, जो आप होल्डिंग सब्सिडियरीज पढ़ते हैं ना, दो कंपनियों को बैलेंस शीट को मिला के एक बैलेंस शीट, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। दो कंपनियों का पीएल मिला करके एक पीएल, कंसोलिडेटेड पीएल, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये किस एएस से गवर्न होता है? तो ये एएस आपका यहां पे, ये एएस 21, एएस 21 ऐसा है जो होल्डिंग सब्सिडरीज में जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनता है उसके रिगार्डिंग हमारा ये एएस है, एएस 21। आइए, डिवेंचर्स कैन बी रिडीम आउट ऑफ, एक कंपनी जब डिवेंचर्स के थ्रू लोन लेती है तो उस लोन को वापस भी तो करना है। कंपनी ये लोन किस सोर्स से वापस करेगी? क्या अपने कैपिटल से, अपने प्रॉफिट से, ये नए शेयर्स को इश्यू के जो पैसा आएगा उससे? पढ़िए, पहला फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, नए शेयर इशू करके जो पैसा आएगा उससे, प्रॉफिट से, कैपिटल से, इनमें से किसी से भी कर सकती है, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी कंपनी डिवेंचर्स के रिडेम्पशन प्रॉफिट से भी, कैपिटल से भी और नए शेयर्स को इश्यू करके जो पैसा आएगा उससे भी कर सकती है। प्रिफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, प्रिफरेंस शेयर्स जो होते हैं, कंपनी जो प्रिफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लेती है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स हैं। उसमें एक प्रिफरेंस शेयर्स है रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स, ये वे प्रिफरेंस शेयर्स हैं जिनका कैपिटल कंपनी को अपने लाइफ टाइम में ही वापस करना होगा। तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को उनका कैपिटल जो वापस करेगी, आई मीन उनके प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन करेगी, किस सोर्स से करेगी? देखिए, किस प्राइस पे कर सकती है? पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट्स पे, एट पार, एट प्रीमियम, किसी पर भी। कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन पार या प्रीमियम किसी पर भी कर सकती है, ठीक है ना? यानी कि उस पे ये, इसको और कर दीजिएगा, ठीक है ना, ये किसी एक पे कर सकती है। ओके, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। The balance sheet of companies are prepared in the form. अब हम आगे कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में। एक कंपनी जो बिजनेस करती है, कंपनी के फॉर्मेशन का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है। कंपनी अपने एक साल के बिजनेस में जो कुछ भी बिजनेस ऑपरेट की है, कंपनी उससे प्रॉफिट्स में है कि लॉस में है, इसके लिए कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनेगा। और इसमें दो चीजें बनती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, और दूसरा बैलेंस शीट। ये शेड्यूल 3, कंपनी के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट है और कंपनी के शेड्यूल 3 पार्ट 2 में इनकम स्टेटमेंट्स है, यानी पीएल है। तो क्या पूछा है? बैलेंस शीट कंपनी के किस शेड्यूल्स में तैयार होता है? तो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, यानी शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट है और शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। आइए हम लोग बढ़ते हैं। IPO, IPO stands for, IPO को फुल फॉर्म क्या है? एक कंपनी जो फॉर्म हो जाती है, जब उसको बिजनेस करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो कंपनी को फंड चाहिए होता है और कंपनी फंड्स के लिए शेयर इशू करती है और पब्लिक से कहती है कि आप ओनरशिप लो, आप शेयर होल्डर बन जाओगे। कंपनी जो उस समय शेयर्स लाती है उसको हम शेयर इशू ना कहके कहते हैं कंपनी ने IPO लाया है। जैसे इस समय आज ही लिस्टिंग हुआ है डोडला डेयरी का, इसके पहले श्याम मैकलिक का, आने वाले दीपावली के आसपास पेटीएम का आने वाला है IPO, LIC का आने वाला है IPO। तो IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखिए IPO मीन्स होता क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है? ये प्राइमरी मार्केट है। इसके बाद जब शेयर लिस्ट हो जाते हैं तो स्टॉक मार्केट में उसकी ट्रेडिंग होती है, वो दूसरी चीज है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हाईएस्ट। आपके सिलेबस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का भी चैप्टर है। गुडविल के नेचर्स में कैट नेचर, डॉग नेचर, रैट नेचर होता है। कैट नेचर जो प्लेस से अटैच रहता है, किसी पर्सन से अटैच नहीं रहता है। पर्सन कौन है, ओनर कौन है, नो मीन्स गुडविल उस प्लेस से अटैच होगा और ये सबसे हाईएस्ट गुडविल होती है। कौन आया, कौन गया, कौन जिंदा है, कौन मरा, कोई मतलब नहीं। गुडविल हमेशा उस प्लेस से अटैच होगी। डॉग नेचर जो अपने मालिक के साथ मूव करेगा, मालिक जहां जाएगा वहां जाएगा, मालिक मर गया गुडविल खत्म। रैट नेचर चेंज होती रहती है, अदलती बदलती रहती है, आज यहां कल वहां, कल वहां, ठीक है? तो यहां पे जो गुडविल है, वो गुडविल का जो बात करें, पूछा है द वैल्यू ऑफ गुडविल हाईएस्ट किस केस में होता है?
कैट नेचर के केस में गुडविल हाईएस्ट होता है। आइए फिर व्हाट इज सुपर प्रॉफिट्स। जब आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आएंगे तो सुपर प्रॉफिट्स, गुडविल वैल्यूएशन करने के दो बेसिस होते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट्स इज डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स क्या है पढ़िए। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले आपके पास एवरेज प्रॉफिट आई मीन एक्चुअल प्रॉफिट्स हो और उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट लेस किया जाए। पहला ही ऑप्शन है एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 12। नेट असेट्स मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के तीन मेथड्स हैं। पहला नेट असेट्स मेथड, दूसरा यील्ड मेथड, तीसरा फेयर वैल्यू मेथड। पूछा है नेट असेट्स मेथड्स को और किस नाम से जानते हैं। नेट असेट्स मेथड के कई नाम है, बैलेंस शीट मेथड, एसेट्स बैकिंग मेथड्स, ब्रेकअप वैल्यू मेथड्स, डिफरेंट नेम्स हैं। पढ़िए इसमें देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी नाम है इसका, एसेट्स बैकिंग मेथड भी नाम है इसका और ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी नाम है इसका, यानी ऑल ऑफ दीज ये चारों है आपका। फिर आइए मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स में बी चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। एक कंपनी जब शेयर इशू करती है और कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी अपना पैसा डिफरेंट कॉल से मांगती है। जैसे अलॉट कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती है, कंपनी अलॉटमेंट मनी मांगती है, फिर फर्स्ट कॉल कि सेकंड कॉल। कुछ लोग कंपनी के कॉल्स का पेमेंट नहीं कर पाते तो कंपनी कहती है भाई आपने पेमेंट नहीं किया अपने कॉल्स का, अब आप पेमेंट करेगा तो ब्याज दीजिएगा। तो जिन लोगों ने कंपनी के कॉल्स का पेमेंट नहीं किया, बकाया लगा दिया, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियस। कॉल्स मेट बट नॉट रिसीव, कॉल्स इन एरियस। इसमें कंपनी इंटरेस्ट लेगी आपसे, यानी आप अपना बकाया अमाउंट तो देंगे देंगे प्लस इंटरेस्ट भी देंगे और वो इंटरेस्ट का रेट वहां पर जानते हैं कितना परसेंट होगा, 10% पर एनम होगा। और कॉल्स इन एडवांस है तो 12% पर एनम होगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं। 13 क्वेश्चन पूरा करने के बाद हम लोग 14 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि हम सारे चैप्टर से क्वेश्चन लेंगे, जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 10 चैप्टर्स आपके हैं उस सारे क्वेश्चन से मैंने दो दो कहीं तीन क्वेश्चन भी हैं। आइए अब क्वेश्चन ऑफ 14 में आता हूं। क्वेश्चन है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू। जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पे जाओगे तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में तीन मेथड है शेयर्स को वैल्यू करने के लिए, एक नेट एसेट्स मेथड से, एक यील्ड मेथड है और एक फेयर वैल्यू मेथड से। फेयर वैल्यू मेथड अपने आप में कोई मेथड नहीं है। जो पहला मेथड नेट असेट्स मेथड है और जो दूसरा यील्ड मेथड है, उन्हीं दोनों मेथड्स से शेयर्स की वैल्यू निकाल के उसका एवरेज कर देंगे तो वही आपका फेयर वैल्यू हो जाएगा। तो पूछा है कि फेयर वैल्यू किसके इक्वल होता है, इंट्रिंसिक के नहीं, यील्ड के नहीं, एवरेज ऑफ इंट्रिंसिक एंड यील्ड। राइट, फेयर वैल्यू जो है एक बार आप किसी कंपनी के शेयर्स को इंट्रिंसिक वैल्यू से निकाल लीजिए, आई मीन नेट असेट्स वैल्यू से निकाल लीजिए, एक बार उसको यील्ड वैल्यू से निकाल लीजिए और दोनों वैल्यू को जोड़ के टू से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल लीजिए। तो इस केस में हमारा आंसर होगा थॉट। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। ऑन विच वैल्यू ऑफ शेयर्स कंपनी गिव्स डिविडेंड। कंपनी अपना बिजनेस करती है, कंपनी शेयर्स के थ्रू कैपिटल इकट्ठा करती है, जो लोग शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, वो कंपनी के ओनर होते हैं। कंपनी जब प्रॉफिट्स कमाती है तो कंपनी उनको डिविडेंड देती है, लाभांश देती है। कंपनी वो लाभांश शेयर से किस वैल्यू पे देती है, तो शेयर्स के मार्केट वैल्यू है उस पे, उसके फेस वैल्यू पे, किस पे देती है, ये क्वेश्चन है। आइए पढ़िए क्वेश्चन। फेस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू ऑलवेज। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शेयर्स का जो एक वैल्यू दिया होता है वो फेस वैल्यू होता है, यानी कंपनी हमेशा डिविडेंड का डिक्लेरेशन शेयर्स के फेस वैल्यू पे करती है। आइए रिलाइजेशन अकाउंट्स। जब आप कंपनी के अमलगमेशन में जाएंगे, अमलगमेशन एक स्ट्रेटजी है, एक ऐसा मार्केट का कॉम्बिनेशन है, जब हम मार्केट उसको देखते हैं, मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ होता है, हम अच्छा नहीं करते हैं, तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे हम बिजनेस को डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। वहां अमलगमेशन है, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर्स है, मर्जर है, बहुत चीजें आती हैं। यहां पे बात है अमलगमेशन का। अमलगमेशन जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज अपने बिजनेस को शट डाउन करके बंद करके एक नई कंपनी ओपन कर लेती हैं तो ये अमलगमेशन ऑफ कंपनी कहलाता है। और इस केस में एक अकाउंट्स बनता है जो इस प्रोसेस में क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है वो बताता है, और यह प्रॉफिट लॉस इक्विटी शेयर होल्डरों के अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता है। तो पूछा है कि रियलाइजेशन अकाउंट्स कौन सा अकाउंट्स है, ये प्रॉफिट लॉस बताता है, इसलिए कौन सा अकाउंट्स हो गया, नॉमिनल अकाउंट्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। हम लोग आ गए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी में। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी मीन्स जब एक कंपनी फेल्योर हो जाती है,
कंपनी बिग लॉस में जाती है, कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा नहीं होता है, कंपनी में फिक्टिटियस एसेट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो कंपनी अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है, और इस केस में सबको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। शेयर होल्डरों को अपने शेयर्स की वैल्यू कम करनी पड़ती है, डिवेंचर्स होल्डरों को भी कुछ छोड़ना पड़ता है, एसेट्स को रिवैल्यू किया जाता है, सारी चीज़ें करने पे यहाँ एक अकाउंट्स ओपन होता है जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स। हर एंट्रीज में हर चीज़ों को रिकॉर्ड करते समय कैपिटल रिडक्शन या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, और इस कैपिटल रेशियो को जब आप क्लोज करेंगे लास्ट में कुछ बैलेंस आएगा, और वह बैलेंस हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में क्या है देखिए आके, विच एएस इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन। फिर एक क्वेश्चन अमलगमेशन से, अमलगमेशन जो आप पढ़ते हैं उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया गया है, जैसे इंडिया में अराउंड 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमलगमेशंस को बताता है, यानी अमलगमेशंस के रिगार्डिंग अकाउंटिंग के जो प्रोविजंस हैं वो किस एएस में दिए गए हैं, एएस 14 में दिए गए हैं, 14 में दिए गए हैं। नेक्स्ट 15, परचेस कंसीडरेशन इज पेबल टू, ये भी क्वेश्चन हमारा अमलगमेशन ऑफ कंपनी से ही है। जब कंपनियां अमलगमेट होती हैं, दो या दो से ज्यादा कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनती है, तो हर कंपनी के लिक्विडेटर्स को उसकी वैल्यू पे करनी पड़ती है, तो वहां एक कैलकुलेशंस किया जाता है जिसको हम पीसी कहते हैं, पीसी परचेस कंसीडरेशन, और यह पीसी जो होता है वह उस कंपनी के शेयर होल्डरों को पे किया जाता है। देखिए परचेस कंसीडरेशन इज पेबल टू शेयर होल्डर्स, तो जो जो कंपनियां बंद होंगी और उस मिला के एक नई कंपनी खोली जाएगी, जो भी कंपनियां बंद होंगी उनके शेयर होल्डरों को परचेस कंसीडरेशन दिया जाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन, मैंने कहा ना एक कंपनी जो फेल्योर होती है तो उस केस में फेल होने के पीछे बहुत से रीजंस हैं, वहां पे कंपनी को बंद करना है या फिर से स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंज करना है, तो डिसाइड हुआ कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे हम। ये कब होता है, एक्युमुलेटेड ऑफ लॉसेस, जब लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल तब भी किया जाता है, तीसरा लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्टिटियस एसेट्स ये भी किया जाता है, यानी ये सब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में है, यानी कि आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द एबव, ये डी है आपका, यानी हम लोग का आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन 21, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू, सिंकिंग फंड क्या है आइए देखते हैं। एक कंपनी जब डिबेंचर इशू करके पब्लिक से लोन लेती है तो कंपनी जानती है कि ये लोन वापस नहीं करना है, कंपनी उस लोन को वापस करने के लिए डे वन से काम शुरू कर देती है, और कंपनी हर साल के प्रॉफिट्स का एक पार्ट एक फंड में ट्रांसफर करती है जिसको हम सिंकिंग फंड कहते हैं, इसी को हम लोग DRR भी कहते हैं। क्या कहते हैं, DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो कंपनी हर साल के प्रॉफिट्स का एक पोर्शन डिवेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर करती है, जिससे कि एक टाइम पे इजीली डिवेंचर होल्डरों को पेमेंट किया जाए। कंपनी जो प्रॉफिट का एक हिस्सा सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करती है उसको इन्वेस्ट भी करती है फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज में, और उस पर ब्याज ही मिलता है, और वह ब्याज सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू सिंकिंग फंड अकाउंट्स, यानी जो ब्याज होता है उसके लिए एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट्स, जो ब्याज मिलता है। आइए 20 रुपए आते हैं, विच एसेट्स इज नॉट करेंट एसेट्स, हम लोग कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में है। कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनी का बैलेंस शीट बनता है ना, वो बैलेंस शीट अब चेंज हो गया, अब वो बैलेंस शीट स्टेटमेंट के फॉर्म में बनता है, अब वो टी शेप में नहीं बनता है। पहले बैलेंस शीट लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट बनता था, अब ऐसा नहीं, बैलेंस शीट में अब जो आप एसेट साइड में आओगे तो सारे एसेट दो कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं, एक नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। उसी से एक क्वेश्चन है, कौन सा करेंट एसेट नहीं है, पढ़िए, विच असेट्स इज नॉट करेंट एसेट्स, डेटर्स करेंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट एसेट्स है, स्टॉक करेंट एसेट्स है, बट गुडविल करेंट एसेट्स नहीं है, ये हमारा नॉन करेंट एसेट्स है, ये फिक्स एसेट्स है, और फिक्स में भी दो है, एक टेंजिबल एसेट्स और एक इनटेंजिबल एसेट्स, तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स, अदृश्य संपत्ति है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, विच वन इज द मेथड ऑफ लिक्विडेशन, लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का समापन, कंपनी के समापन के मेथड्स के बारे में बात कर रहा है। पहला कंपल्सरी लिक्विडेशन है,
ये कंपनी के लिक्विडेशन का एक मेथड है। दूसरा वॉलंटरी लिक्विडेशन, ये भी एक मेथड है, यानी दोनों मेथड लिक्विडेशन के हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी ये दोनों कंपनी के लिक्विडेशन के मेथड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज द लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज, कंट्रीब्यूटरीज का सेंस क्या, ये किस चैप्टर में है, ये लिक्विडेशन में ही है। जब एक कंपनी का लिक्विडेशन होता है, स्पेशली यहां बात करूंगा वॉलंटरी लिक्विडेशन, तो वॉलंटरी लिक्विडेशन में कंपनी के मेंबर्स या क्रिएटर्स के चाहने से कंपनी को बंद कर दिया जाता है मीटिंग्स कॉल करके, और उसके बाद एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है जो कंपनी के मैटर को सेटल करता है, एसेट्स को बेचता है और लाइबिलिटीज को पेमेंट करता है। कंपनी के एसेट्स को बेच के लिक्विडेटर्स जो पैसा पाया उससे लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, अभी भी क्रिएटर्स का पेमेंट नहीं हुआ है, तो कंपनी शेयर होल्डरों, कंपनी उस केस में लिस्ट ए, जो प्रेजेंट शेयर होल्डर हैं, जो जब कंपनी बंद हुई उसमें जो शेयर होल्डर हैं वो लिस्ट ए में काउंट होते हैं, और अगर उन लोगों ने कंपनी के का पैसा अभी नहीं दिया है, उनका शेयर अभी पार्टली पेड अप है, तो उससे उनसे पैसा ले लिया जाता है और उससे लाइबिलिटीज का, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया जाता है। उनसे पैसा लेने के बाद भी कंपनी की लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो कंपनी उन लोगों का लिस्ट निकालती है जिन लोगों ने अपने शेयर्स को कंपनी के बंद होने के पहले बेच दिया, कितने महीने पहले, जस्ट प्रीसीडिंग 12 months, 12 महीने पहले, जिन लोगों ने ठीक कंपनी के बंद होने के 12 महीने ऊपर अपने शेयर्स को बेच दिया है, कंपनी उन लोगों से पैसा मंगाएगी और वे लोग लिस्ट बी में आते हैं। यानी ये दोनों लिस्ट ए और लिस्ट बी आपके कंट्रीब्यूटरीज हैं, ये दोनों कंपनी को कंपनी के वाइंड अप पे पैसा देते हैं जिसके हेल्प से कंपनी का लाइबिलिटीज का पेमेंट्स किया जाता है। क्वेश्चन 25, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग, होल्डिंग कंपनी, ये चैप्टर है होल्डिंग एंड सब्सिडरीज, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरीज कंपनी की बात करें, तो जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी दूसरे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के इशू किए गए शेयर्स का 50% से ज्यादा शेयर्स अकेले खरीद ले, उस दिन से उस कंपनी को एक और दर्जा मिल जाएगा, उसको कहा जाएगा होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी का शेयर्स खरीदा जाएगा उसको सब्सिडरीज कहा जाएगा। होल्डिंग होगा तो सब्सिडरीज होगा, सब्सिडरीज होगा तो होल्डिंग होगा, दोनों होगा, अकेले सब्सिडरी नहीं हो सकता, अकेले होल्डिंग नहीं हो सकता। तो कब एक कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं, कभी हम ये नहीं कह सकते चलो होल्डिंग कंपनी बना ले, कंपनी दो ही होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट, वही पब्लिक कंपनी एक समय पे होल्डिंग कंपनी कहलाती है, वही पब्लिक कंपनी एक समय पे सब्सिडरीज कंपनी कहलाती है। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी कम से कम एटलीस्ट 51% शेयर्स खरीद ले तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। देखिए इसमें ऑप्शंस, पहला ऑप्शन ही है होल्डर ऑफ एटलीस्ट 51% शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, यही ऑप्शन इसमें आएगा। मैंने टोटल 25 क्वेश्चंस आपको बताया, हर चैप्टर से 2 questions, किसी से 3 questions लेके आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, इसी क्वेश्चंस के को मॉडल बना के आप तैयारी करिए। मैं क्लासेस प्लान कर रहा हूँ, 1 तारीख के आसपास मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते जाएँ क्लासेस के लिए कैसे कैसे है। फिलहाल आप कोचिंग का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से संजय ट्यूटोरियल्स, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। वीडियो देखिए, कहीं कोई किसी आंसर्स में डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको कोई डाउट्स हो या आप कोई और आंसर देखते हैं तो उस पर आपको मैं क्लेरिफिकेशन दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे फ्रेंड्स को जो इस समय एमसीक्यू पैटर्न्स की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बना के बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया है। मैं अपने कोचिंग के ऐप के अलावा यूट्यूब पर भी लगातार ऐसे क्वेश्चंस और वीडियो लेके आता रहूँगा जिससे बच्चों को बहुत हेल्प हो। वीडियो देखिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत जल्दी आपके साथ फिर दूसरे सब्जेक्ट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मॉडल पेपर लेके बहुत जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए थैंक्स।